पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत निर्माण कार्यों को जल्दबाजी में पूरा करने की होड़ सी लग गई थी, जिसके चलते ग्रामीण निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और मानकों का पालन नहीं किया गया, जिसका खामियाजा ग्रामीण किसान भुगत रहे हैं। ऐसे ही एक मामला मंडला जिले की बिछिया जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत लफरा से सामने आया है, जहां मनरेगा योजना अंतर्गत 18 लाख रुपए की लागत से अमृत सरोवर डैम निर्माण घटिया स्तर का किया गया है, जिसका बेस ही अमानक स्तर का तैयार किया जा रहा था। ग्राम लफरा तहसील बिछिया जिला मंडला का स्थायी निवासी काश्तकार हूँ। जो अमृत सरोवर बांध बना गया है, इसमें जो है 10-10 फुट की चौड़ाई रखी गई है। नाला में पानी काटने में जो नाला असमर्थ है, इससे जो है सैकड़ों एकड़ जमीन की क्षति हो रही है। इस क्षति की पूर्ति के लिए हम कलेक्टर महोदय जी से निवेदन करेंगे कि इस क्षतिपूर्ति दिया जाए या फिर इनकी व्यवस्था किया जाए, सरों की समस्या का हल हो सके। अमृत सरोवर निर्माण से आपको क्या परेशानी हुई? अमृत सरोवर निर्माण से हमको ये परेशानी कि डैम बनने से जो है पानी का पूरा रुकाव खा रहा है, पानी स्वतंत्रता पूर्वक नहीं निकल रहा है। अमृत सरोवर का निर्माण क्या गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ? गुणवत्तापूर्वक भी नहीं किया गया है। इसकी जो आइट साइट की दीवार है वो भी अभी फिलहाल में गिर चुकी है, जबकि अभी अभी उठा हुआ है जी। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये डैम फिलहाल में नहीं होना चाहिए, जिससे हम काश्तकारों की जो है व्यवस्था हो सके और पानी स्वतंत्रतापूर्वक आवागमन हो सके। किसके द्वारा निर्माण किया गया है? अब ये तो हमें नहीं मालूम सर कि किसके द्वारा निर्माण किया गया है। परिचय? मैं पवन धनगर, ग्राम लफरा का काश्तकार जी। और जो नाला की साइड में मेरी जमीन है वो पूरी पानी से भरी हुई है, और ये जो बना है क्या कहते हैं खाना है अमृत सरोवर जो बना है, जहाँ अमृत सरोवर बना है वहाँ नाले की चौड़ाई लगभग 60 फीट है, परंतु 60 फीट का पानी ढाई तीन गोड़ा बनाए गए हैं कुल पानी निकासी के लिए। 60 फीट में कुल ढाई फीट के तीन गोड़ा बनाए गए हैं, कुल तीन गोड़ा से ढाई मैंने 7.5 फीट से क्या पानी निकल सकता है? जब पानी नहीं निकलेगा तो हमारी पूरी क्षति होगी, और क्षति हो सैकड़ों एकड़ की जमीन जाएगी उसमें, और जा ही रही है। इससे फसल बर्बाद होगी और गांव को काफ़ी बुरी क्षति का सामना करना पड़ेगा। और क्या चाहते हैं? इसका सुधार कार्य किया जाए और किया जाए और हमारी जो क्षति हो रही है उसको शासन पूर्ति करें।